हाय दिस इज पारितोस एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी काफ़ी लोगों ने पूछा सर क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टी लगता है जी नहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपका कोई टी नहीं लगता अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो एन के केस में कैपिटल गेन पर टी लगता है सर कैसे होता है कि अगर देखो अगर आपकी इक्विटी फंड्स है और अगर आपने उन यूनिट्स को एक साल से पहले बेच दिया और उन पर प्रॉफिट है तो वो आपका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर ये इक्विटी फंड है और इक्विटी फंड पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको पंद्रह परसेंट टैक्स देना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इन यूनिट्स को आपने बारह महीनों के बाद बेचा है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको दस टैक्स देना होता है अगर ये अमाउंट एक लाख से ज्यादा है मान लीजिए अगर आपका कैपिटल गेन एक लाख दस हजार है तो दस हजार पर आपको दस परसेंट टैक्स देना होगा वहीं अगर डेट फंड है डेट फंड में अगर आप तीन साल से पहले अपने यूनिट्स को बेचते हो तो जो भी कैपिटल गेन होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा तो जिस टैक्स लैब में आते हो उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना है अगर डेट फंड में तीन साल के बाद अपनी यूनिट्स को बेचते हो यानी उनकी होल्डिंग पीरियड तीन साल से ज्यादा है तो उस पर आपको ट्वेंटी टैक्स देना होता है विद इंडेक्सेशन इक्विजेशन कॉस्ट बात रही एनआरआई के केस में तो एनआरआई अगर आप एनआरआई इन्वेस्टर हो तो सर जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी फंड में वो उस पर आपको 15 परसेंट टैक्स लगेगा टीडीएस लगेगा 15 परसेंट टी डिडक्ट होगा अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सर आपको उस पर 10 परसेंट टीडीएस लगेगा डेट फंड के केस में अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 30 परसेंट टीडीएस थर्टी uh, परसेंट टीडीएस डिडक्ट होगा और तीन साल के बाद यूनिट्स को सेल कर रहे हो तो सर उस पर ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी विद इंडेक्सेशन कॉस्ट टी लगेगा बात रही डिविडेंड की तो सर डिविडेंड पे अभी तक तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था लेकिन अभी जो रिसेंटली बजट्स अनाउंस हुए हैं चेंजेस हुए हैं अकॉर्डिंगली आपके डिविडेंड पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता लेकिन अगर आपका डिविडेंड पाँच हज़ार से ज़्यादा है इन फिनेंशियल ईयर तो उस पर आपको दस परसेंट लगता है बात ये रखी कि जब देखो ये कैपिटल गेन के लिए ना आपको कुछ नहीं करना हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में हर म्यूचुअल फंड कंपनी जहां पे भी आपका निवेश है इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वहां पे हर फाइनेंशियल ईयर में वो आपको एक कैपिटल गेन स्टेटमेंट देती है तो चाहे आप जब आप टैक्स फाइलिंग करते हो तो वहां पर आपको ये शो करना होता है कि मेरा कितना कैपिटल गेन है कितना लॉन्ग टर्म है कितना शॉर्ट टर्म है अगर आप किसी सी से करा रहे हो तो वो कैपिटल गेन की स्टेटमेंट आपको देनी होती है ये डायरेक्टली चाहे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाके भी आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो नहीं तो कैम्स की वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो तो आज का यही एक डाउट था काफी लोगों ने क्वेरी उठाई थी अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए खैर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तब तक के लिए धन्यवाद वंदे मातरम जय हिंद